चलिए इसको चेक करके थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, क्या ये मेरा काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं ना, अभी हमारे हाथ में एक नेकबैंड ब्लूटूथ का ये बोर्ड है, किट है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें वायर हट गया है, ठीक है। तो अभी एक कस्टमर लेकर आया है, तो उसको कनेक्शन में करके दिखाता हूँ। तो मैं सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो खुद से रिपेयर कर सके, ठीक है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन हम सिंपल है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मैं इसका ऊपर का जो कवर होता है वो मैं हटा लिया हूँ, ठीक है। अब चलिए इसका हम कनेक्शन आपको समझाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के सीन है, देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए इसमें आपको हम दिखाते हैं, ये माइक, ठीक है, ये माइक है। और दोस्तों ये आईसी हुआ, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन ये हुआ, और प्लस साउंड का ये माइनस ये है। अब इसको उलट के देखते हैं इस बार, तो देखिए यहाँ पे ये जो है स्पीकर का है, ठीक है, जो कि कान में जो स्पीकर लगता है उसका है। और यहाँ पे दोस्तों मैं समझा देता हूँ, देखिए बी प्लस और बी माइनस, यानी ये बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का निगेटिव है, ठीक है। तो ये बैटरी का निगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव है, ठीक है। और ये एक एयरफोन का है, ठीक है, राइट और माइनस लेफ्ट, ठीक है। तो यही है, तो इसका बैटरी का जो यहाँ पे माइनस हुआ, बैटरी का माइनस हुआ, अब और बी पॉजिटिव, बैटरी का प्लस हुआ, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का है, तो ये कनेक्शन हम सिंपल है। अगर आपका आपके साथ भी इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप खुद से खोलकर इसको ब्लूटूथ नेकबैंड को आप रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि ऑन ऑफ में दिक्कत होगा, ठीक है, मतलब आप चार्ज में लगाइएगा ऑन नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ से इसको हटा लीजिएगा, ठीक है, बटन के हटा के थोड़ा सा यहाँ पे घसीएगा, क्रोच लगाइएगा, उसके बाद फिर बटन लगाइए तो काम करने लगा, ठीक है। और माइक यही है, माइक को आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल इसका ये है। अगर आपको देखिए इस वायर, ये वायर में आपको समझ में ना आए तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, इस वायर को आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ माइनस है तो ये बैटरी का माइनस हुआ, और इधर में अगर आपको ना समझ में आएगा तो क्या कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है, इसको ओपन कीजिएगा। और ओपन करने के बाद यहाँ पे बैटरी का देख लीजिए कौन कलर बैटरी में जुड़ा हुआ है, तो माइनस प्लस में, तो यहाँ पे वही जोड़ लीजिएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे रेड वाला है जो प्लस में जुड़ा हुआ है। और देखिए मैं कनेक्शन कर लिया हूँ यहाँ पे, इसी प्रकार से आपको कनेक्शन कर लेना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बैटरी का माइनस हुआ, बैटरी का प्लस हुआ, ठीक है, गोल्डन वाला है बैटरी का माइनस, और बैटरी का जो पॉजिटिव है उसमें रेड वायर है, और ब्लैक वायर जो स्पीकर का प्लस में है, और हरा वाला है माइनस में, ठीक है। सब ब्लूटूथ में अलग अलग रहता है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको बैटरी का कनेक्शन समझ में ना आए तो इस तरफ से खोल लीजिएगा, इसको खोलने के बाद आपको बैटरी में जो कलर जुड़ा होगा वही यहाँ पे देखकर जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको, तो चलिए इसको चेक करके थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, क्या ये मेरा काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसको बना लेना होगा।